बड़ी खबर आपको बता दें, अवदीवका में रूसी सेना का बड़ा हमला हुआ है। रूस ने यूक्रेन के टैंक को तबाह कर दिया है और साथ ही ड्रोन धमाका कर यूक्रेनी टैंक को जला दिया गया। रूस के हमले का वीडियो भी सामने आया है। धरती के उत्तरी ध्रुव पर महासंग्राम का मोर्चा तैयार होने लगा है। अमेरिका ने आर्कटिक क्षेत्र में रूस को घेरने के लिए नाटो संगठन के सहयोगी देश नॉर्वे के साथ प्लान एक्टिवेट कर दिया है। अमेरिका ने यह ऐलान किया है कि रूसी मिसाइलों के खतरे को देखते हुए आर्कटिक क्षेत्र के बहुत नजदीक नॉर्वे में एक सैटेलाइट स्टेशन बनाने का काम शुरू हो चुका है। ये रूस के लिए सामरिक तौर पर बड़ा खतरा है। रूस आर्कटिक क्षेत्र में सबसे मजबूत देश है और नॉर्डिक से लेकर बाल्टिक तक रूस को घेरने के लिए अमेरिका ने सामरिक हलचल बढ़ा दी है। इस हलचल की वजह से आर्कटिक क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है और यहां रूस अमेरिका के टकराव की आशंका बढ़ गई है। नॉर्डिक से बाल्टिक तक छिड़ने वाला है महासंग्राम। नॉर्वे बनेगा विनाश का एपिसेंटर। अमेरिका ने रूस की सामरिक घेराबंदी करने के लिए बाल्टिक से नॉर्डिक तक बिसात बिछानी शुरू कर दी। बाइडेन सरकार ने ऐलान किया है कि उत्तरी नॉर्वे में अमेरिका सैटेलाइट स्टेशन बनाने जा रहा है। ये स्टेशन नॉर्वे के अंदोया एयरबेस पर बनाया जाएगा। पहली बार यूएस से बाहर सामरिक सैटेलाइट स्टेशन बनाया जा रहा है। इससे नेटो का सुरक्षा चक्र और मजबूत होगा। स्टेशन यूएस नॉर्वेजियन स्पेस कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क के तहत बनाया जा रहा है। नॉर्वे का अंदोया एयरबेस उत्तरी छोर पर है। इसी एयरबेस पर अमेरिका और नॉर्वे सैटेलाइट स्टेशन बनाने जा रहे हैं। अंदोया एयरबेस के खाली क्षेत्र में स्टेशन निर्माण का काम शुरू होने वाला है। यहां लॉन्ग रेंज मिसाइलें और ड्रोन भी तैनात किए जाएंगे। इसके साथ ही अमेरिकी फाइटर जेट की एक स्क्वाड्रन भी तैनात हो सकती है। ये रूस के वर्चस्व वाले आर्कटिक क्षेत्र के बहुत नजदीक है। फाइटर जेट और लॉन्ग रेंज ड्रोन तैनात होने से रूस की आर्कटिक बेस सीधे नेटो की रेंज में आ जाएंगे। नॉर्वे के रक्षा मंत्री बियन ग्राम ने कहा है कि पूरे नेटो क्षेत्र पर खतरा है और सुरक्षा के लिए तैयार रहना ही विकल्प है। नॉर्डिक रीजन के साथ साथ बाल्टिक रीजन में भी नेटो ने नया बेस बनाना शुरू कर दिया है। ये बेस बाल्टिक सागर के गॉटलैंड आइलैंड पर बनाया जा रहा है। गॉटलैंड पर बेस बनाकर अमेरिका बाल्टिक सागर में रूस का रास्ता रोकना चाहता है। सेंट पीटर्सबर्ग रूस का इकलौता नेवल बेस है जो बाल्टिक से जुड़ता है और यहीं से एक रूट भी है जो नॉर्थ सी तक जाता है। गॉटलैंड की सेंट पीटर्सबर्ग से दूरी 620 किलोमीटर है। यहां से होकर रूस का कारोबारी रूट भी है जो रूस से आगे गल्फ ऑफ फिनलैंड होते हुए बाल्टिक सी में गॉटलैंड के पास से आगे डेनमार्क तक पहुंचता है। वहां से आगे नॉर्थ सी तक जाता है। यानी अब बाल्टिक से नॉर्डिक तक रूस की घेरेबंदी का प्लान तैयार हो चुका है। दरअसल अमेरिका और स्वीडन को खतरा है कि रूस आर्कटिक से जंग छेड़ सकता है, क्योंकि रूस ने 2022-23 में भी आर्कटिक में 3 नए बेस तैयार किए हैं।
ये बेस रिसर्च सेंटर के तौर पर दुनिया के सामने पेश किए गए हैं, लेकिन अमेरिका का मानना है कि रूस इनका सैन्य इस्तेमाल भी कर सकता है। फरवरी में रूस ने आर्कटिक में खास उपकरणों की तैनाती की है। रूस ने एक खास न्यूरल ड्रोन बनाया है। ये ड्रोन नेटो के हथियारों और उपकरणों की पहचान कर सकता है, इन हथियारों और उपकरणों की लोकेशन भेज सकता है। खबर है कि इस न्यूरल ड्रोन की तैनाती आर्कटिक में हो चुकी है। आर्कटिक में रूस के वर्चस्व को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। रूस इस क्षेत्र में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत जंगबाज है। माना जाता है कि आर्कटिक क्षेत्र में रूस का मुकाबला नेटो देशों की सारी सेनाएं भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसके आर्कटिक इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने नेटो के सारे देश कमजोर हैं। आर्कटिक में रूस की ताकत के निशान देखकर इसे समझा जा सकता है। ग्लोब पर दिख रहे हरे रंग के गोले आर्कटिक में नेटो के मिलिट्री बेस हैं और लाल गोले रूस के मिलिट्री बेस हैं। 2005 से रूस ने आर्कटिक में सोवियत दौर के 10 से ज्यादा पुराने बेस अब तक एडवांस बना लिए हैं। यहाँ एयर डिफेंस को चकमा देने वाली हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल तैनात है। ग्लोब पर नजर आ रहे हरे रंग के एंकर वाले निशान आर्कटिक में नेटो देशों के नेवल बेस हैं और लाल रंग वाले एंकर के निशान रूस के नेवल बेस हैं। रूस ने आर्कटिक में पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और जहाजों पर खूब खर्च किया है। इसी तरह हरे रंग वाले हवाई जहाज के निशान नेटो के एयरबेस हैं और लाल रंग के रूस के एयरबेस हैं। आर्कटिक में रूस की हवाई पट्टियां और एयरबेस सभी नेटो देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलाने के बाद भी सबसे ज्यादा है। इसी तरह रूस की ग्राउंड फोर्स भी सभी नेटो देशों से ज्यादा संख्या में आर्कटिक में तैनात है। पोलैंड की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि रूस ने 10 अलग अलग क्लास के न्यूक्लियर बॉम्बर्स भी आर्कटिक बेस पर तैनात कर रखे हैं। इन सभी बॉम्बर्स पर नागासाकी हिरोशिमा पर गिरे बमों से 50 गुना ज्यादा क्षमता वाले वॉरहेड लगे हुए हैं। रूस ने बहुत बड़ी रणनीति के तहत आर्कटिक क्षेत्र में अपने न्यूक्लियर बॉम्बर्स को एक्टिवेट किया है। आर्कटिक में रूस के परमाणु बेस और बॉम्बर अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए रूस की मिसाइलों को ट्रेस करने और एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करने के लिए नॉर्वे के अंदोया एयरबेस पर सैटेलाइट स्टेशन बनाने का काम शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।